प्रिय प्राणनाथं सततम् स पूर्ण सततनममि ब्रह्मा प्रिया जा चपात भवश्यन्धुत्र विज्ञानदाता निजधर्म धाता दिनेबंधो शरण प्रपदे दिने कबंधो शरण प्रपदे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री नवतन नवतनपुरी धाम की जगदगुरु आचार्य श्री श्रेक्षाट कृष्ण मणिजी महाराज की परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम करे अति बोलिए कृष्ण का लाल की अब आगे की चौपाई हम श्रवण करते हैं उसका भाव सदगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज नित्य प्रति घर से प्रातः काल में उठ कर के बाहर जाते हैं दंत धावन मतलब शौच क्रियादि के लिए घर से बाहर निकलते हैं जहाँ पानी की सुविधा हो कुआ हो तालाब हो उसके आसपास वहाँ जाकर के नहाना धोना सब शौच क्रियादि स्नान आदि करके वहाँ से सीधा मंदिर पहुँचते हैं मंदिर जाकर के एक पहर पर्यंत एक प्रहर पर्यंत क्या करते हैं ध्यान भजन पूजन परिक्रमा प्रदक्षिणा आदि करते हैं फिर वहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं बड़े लगन से भावपूर्वक परिश्रम के साथ में किसी के लिए कर देने की बात नहीं है कोई भी कार्य हृदय से करते हैं भावपूर्वक करते हैं किसी के लिए कर देना यह अलग बात है वो मेरे लिए मेरे आत्मकल्याण के लिए ये भाव रख कर के कुछ भी करते हैं तो उसका फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज नित्य प्रति घर से निकल करके शौच स्नान आदि करके सीधा मंदिर पहुंचना वहां जाकर के ध्यान करना प्रदक्षिणा करना पूजा करना सेवा करना ये सारे कार्य करते हैं बहुत ही लगनता के साथ में मगनता के साथ में उसी में निमग्न हो के करते हैं मेहनत के साथ में उपरा ऊपरी दिखावे के लिए नहीं कर देने के खातिर नहीं मेहनत पूर्वक शत प्रतिशत मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं अत्यंत परिश्रम करते हैं अति जोर मतलब अत्यधिक परिश्रम करते हैं तो आगे आप श्रवण करते हैं उस देश में साधु संत आवत नाही कोई जल कसनी देख के इत काहू न आवन हो अब यह उमरकोट गांव मारवाड़ प्रदेश ऐसे सूखा प्रदेश माना जाता है वहाँ पानी का अभाव है जल का अभाव है इसीलिए कहते हैं कि उस देश में साधु संत उस देश मतलब परदेश उस स्थान पर उस स्थान पर अब यहाँ देश कहा अब अभी तो जैसे समग्र भारत को देश बोला जाता है ना? लेकिन वहाँ एक स्थान को उन्होंने देश करके संबोधन किया हो सकता है पहले के समय में पर्टिकुलर किसी स्थान को भी देश बोलते थे जैसे अभी गुजरात में भी यहाँ किसी गांव में जाएं तो जैसे यहाँ से अधिकतर लोग सौराष्ट्र के सूरत तरफ मुंबई तरफ व्यापार व्यवसाय के लिए गए हैं नौकरी के लिए गए हैं तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि परदेश गया है परदेश तो है नहीं अपने देश में ही है और सूरत जाकर के पूछते हैं तो बोलेंगे अपना देश गया है ऐसा बोलते हैं ना हाँ देश में गया है एम बोले अब देश तो पूरा भारत है अपना देश मतलब कहीं बाहर से आया तो है नहीं लेकिन यहाँ का प्रचलन है कि यहीं अपने एक ही गुजरात में लेकिन थोड़ा दूर है अपने देश अपने एरिया से अपने स्थान से थोड़ा दूर है इसलिए वो परदेश के रूप में लेते हैं तो यहाँ भी यही भाव समझना चाहिए उस देश में मतलब उस स्थान में कहाँ वो मारवाड़ प्रदेश में विशेष करके उसके अंदर निहित जो उमरकोट गांव है वहाँ पर साधु संत आवत नाही को साधु संत वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँचते नहीं हैं कोई नहीं आते मतलब कोई वर्ज्य नहीं है कोई रुकावट नहीं है लेकिन वहाँ पर साधु संत बहुत कम मात्रा में पहुँचते हैं क्यों क्यों कम मात्रा में पहुँचते हैं कि जल कसनी देख के इतना काहुन आवन हो तो वहाँ पानी का अभाव है जल का अभाव है और साधु संत सन्यासियों को क्या चाहिए अधिक पानी चाहिए होता है उनको क्या करना होता है प्रातःकाल उठा फिर शौच आदि किया फिर स्नान आदि उनको अच्छी तरह से स्नान करने होते हैं फिर वो अपराह्न के बाद में भी वो स्नान आदि करते हैं सायन काल में भी स्नान आदि करते हैं कहने का तात्पर्य क्या है उनको पानी अधिक चाहिए क्योंकि भजन पूजन ध्यान इत्यादि संध्या वंदन आदि करनी होती है तो उसमें शरीर को स्वच्छ रख करके बार बार हाथ धोना बार बार पैर धोना कभी भी पेशाब गए लघु शौच गए या दीर्घ शौच लघु शंका गए या दीर्घ शंका कहीं भी कहे तो पानी तो अति आवश्यक है जैसे शौच के लिए गई हाथ धोना पहले तो क्या था ये साबुन शैम्पू का समय नहीं था युग नहीं था मिट्टी लगा लगा करके वैसे वास्तविकता तो वही है उसी का लाभ अधिक है आज भी साबुन शैम्पू से अधिक मिट्टी का प्रयोग करें तो वो अधिक लाभदायी होता है लेकिन अब घर घर में मिट्टी कहाँ रखें लोग उसको गंदा मानते हैं गंदगी मानते हैं पहले मिट्टी से हाथ धोना इत्यादि करते थे तो वो पानी का पानी की आवश्यकता अधिक होती थी तो अधिक पानी चाहिए होता है किनको ये त्रिकाल संध्या करने वाले और ज़्यादा शरीर की शुद्धि के लिए और क्योंकि मन तो शुद्ध है ही लेकिन साथ साथ में तन भी शुद्ध करना चाहिए क्योंकि मन शुद्ध है इसलिए मेरा तन शुद्ध ना हो तो भी चलेगा ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए तन भी शुद्ध रखना आवश्यक है और तन को शुद्ध रखने के लिए पानी की जरूरत होती है अधिक पानी उस स्थान पर मारवाड़ प्रदेश ये रेतीली भूमि मरुभूमि सूखा प्रदेश होने के कारण वहाँ पानी कम था इसीलिए पानी के अभाव के कारण वहाँ रुकने के लिए कुछ दिन जैसे चतुर्मास इत्यादि करने के लिए साधु सन्यासी अलग अलग स्थान में जाया करते हैं वहाँ पर पहुँचना कठिन था वहाँ पर उनकी व्यवस्था कठिन थी इसीलिए वहाँ पर साधु संत जल्दी पहुँचते नहीं थे तो जल कसनी देख के तब काहुना आवन हो ए? किसी का वहाँ पर जाना होता नहीं था मतलब बहुत कम मात्रा में लोग वहां पहुंचते थे साधु संत सन्यासी आदि तो आगे कहते हैं एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते परदेश तहां देहुरे साधु बहुत देखे बीच विदेश आव यह प्रसंग लालदास जी महाराज बता रहे हैं हे सुंदर साथ जी एक बेर मतलब एक वक्त एक समय में क्या मतु मेहता संग मतलब मतु मेहता अपने पिताजी के साथ में वो आए हते परदेश तो हते मतलब थे वे परदेश में गए थे अपने पिताजी के साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज परदेश मतलब कच्छ कच्छ देश में वहाँ पिताजी के साथ में गए थे क्योंकि पिताजी उमरकोट से कच्छ में व्यापार किया करते थे इसलिए व्यापार के सिलसिला में मत मेहता जी को कच्छ में आना जाना चला रहता था इसीलिए एक समय अपने पिताजी के साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज भी कच्छ देश में पहुँचे हा देहुरे साधु बहुत वहां क्या देखा सात श्री देवचंद्र जी महाराज ने वहां पर देहुरा पहले भी आया था क्या है देवरा का अर्थ कपिल क्या है देवरा का अर्थ मंदिर हाँ तुझे पता है क्या है पवन है हाँ। तहा देहुरे साधु बहुत वहाँ मंदिर भी अधिक मात्रा में हैं और मंदिर में साधु संत विद्वत जन भी खूब वहाँ रहते हैं और वहाँ पर साधना करते हैं भजन ध्यान आदि लगाते हैं ऐसा देखा किन्होंने श्री देव चंद्र जी महाराज ने तहां देहुरे साधु बहुत मठ मंदिर भी और साधु संत भी उन्होंने अधिक मात्रा में देखा देखे बीच विदेश वहाँ पर विदेश मतलब कच्छ प्रदेश में सदगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज ने मठ मंदिर साधु संत ज्ञानी पुरुषों को खूब देखा आगे कहते हैं बात तब की मन में रहे मैं जाहूं कच्छ देश में तहां जाए के खोज करूं पाऊं परमेश्वर तीन से अब इस तरह से यहां प्रसंग इस तरह से जोड़ना चाहिए कि कल का आज ही ऐसी ऐसा प्रसंग बना ये बात नहीं है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इस तरह से उमरकोट में अपने घर में रहते हुए नित्य प्रति भजन पूजन ध्यान चिंतन में समय तो बिताते ही थे मंदिर में जा के प्रदक्षिणा करना सेवा करना साधना करना आदि करते ही थे उसी समय दौरान एक समय इस हिसाब से लेना चाहिए तो कच्छ में गए थे अपने पिताजी के साथ में श्री देवचंद्र जी महाराज तो वहाँ से लौटने के बाद ये ही चिंतन चलता था चलने लगा अब देवचंद्र जी महाराज के मन में क्या चलने लगा बात तब की मन में रहे जब देवचंद्र जी महाराज पिताजी के साथ में कच्छ गए वहाँ मठ मंदिर आदि देखा सत्संग भजन देखा साधु सन्यासी को देखा ध्यान चिंतन करते हुए ऐसे विशिष्ट पुरुषों को देखा तो तब उनके मन में धर्म के प्रति अनुराग तो था ही धर्म के प्रति श्रद्धा निष्ठा तो थी ही लेकिन अधिक निष्ठा जगी अधिक भाव जगने लगा मन में आया अरे मेरे देश में मतलब यहाँ मेरे गांव में तो ऐसे साधु सन्यासी के दर्शन भी नहीं होते मठ मंदिर भी गिने चुने ही हैं अल्प मात्रा में है ऐसा सत्संग भजन आदि का कार्य भी यहाँ होता नहीं है वहाँ तो कच्छ समय तो ये चलते ही रहते हैं जहां देखो वहां मठ मंदिर साधु सन्यासी सत्संग भजन चलता ही रहता है इसीलिए मैं तो क्या करूं तब यहां अब जोड़ेंगे कि बात तब की मन में रहे क्या रहे मन में हाँ ये जगह ठीक है यह स्थान ठीक है मेरे लिए इसीलिए मन में वो गांठ बांध ली मैं जाऊं कच्छ में मैं कच्छ में ही जाऊँ वहीं जाकर के मैं मंदिर में रहूँ सत्संग करूँ भजन करूँ ध्यान लगाऊँ प्रदक्षिणा करूँ साधु सन्यासी के संग में रहूँ क्योंकि साधु सन्यासी के संत गुरुजनों के ऐसे प्रबुद्ध पुरुषों के संग में रहेंगे तो साधना में उन्नति होगी साधना के शिखर तक पहुँच पाएंगे अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे उनके मन में यह हुआ मैं कच्छ में जाऊं जाए के खोज करूं पाऊं परमेश्वर तीन से क्योंकि मन में ये भाव तो था पहले क्या था कि मैं कौन कहाँ से आया कहाँ मेरा भरतार मैं कौन हूँ इस संसार में कहाँ पर आया मेरे परमात्मा मेरे स्वामी मेरे मालिक कौन है यह प्रश्न तो उनको उद्वेलित कर ही रहे थे मन मस्तिष्क में दिलो दिमाग में यह प्रश्न तो चल ही रहे थे और कच्छ जाकर के पिताजी के साथ में लौटने के बाद में और यही दिमाग में बैठ गया मैं जो प्रश्न अपने आप को कर रहा हूँ सभी को पूछते हुए फिर रहा हूँ मुझे लगता है यह प्रश्न का उत्तर तो कच्छ में ही मिल सकता है क्योंकि वहाँ इतने यानी पुरुष के दर्शन हुए इतने साधु सन्यासी के दर्शन हुए सर्वत्र सत्संग ही सत्संग सुनने को मिला देखने को मिला भजन कीर्तन ध्यान पूजन में संलग्न लोग देखने को मिले हो सकता है मेरे प्रश्न का सही उत्तर वहीं जाकर के मुझे प्राप्त हो इसीलिए कहते तहाँ जाए खोज करूं वहां पहुंच करके अब मैं तलाश करूं खोज करूं किसकी किसकी खोज करनी है कि मैं जिसको प्राप्त करना चाहता हूं यु प्रश्न जो प्रश्न के उत्तर की खोज करनी है मुझे जो प्रश्न आ रहे हैं मैं कौन हूं कहाँ से आया कहाँ मेरा भरतार वही उसके उत्तर में खोजूं मतलब वो परमात्मा को मैं प्राप्त करूं जो हम सब, आधार सब के आधार हैं सबके मालिक हैं सचराचर ब्रह्मांड के एक मेव स्वामी है ऐसे परमात्मा की मैं खोज करूं पाऊं परमेश तीन से, से मतलब खोज करते करते साधना के द्वारा संत साधु संतों के सत्संग के द्वारा उनकी सानिध्यता के द्वारा मैं परमेश्वर को प्राप्त करूं परम ईश्वर परमेश्वर शब्द कैसे बना परम ईश्वर परम, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर यह बनता है परम मतलब उत्कृष्ट श्रेष्ठ विशिष्ट और ईश्वर मतलब वो मालिक वो परमात्मा वो श्रेष्ठ परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा वही तो परमात्मा है हम सभी के मालिक वही परमेश्वर है वो उनको मैं प्राप्त करूं तो आगे कहते हैं घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग दुनी से वैर रहे उन्हें देखे लगे आ अब यहां बड़ा समझने का प्रसंग है देखिए घर में खटपट रहे अब घर में खटपट रहे मन में रहे बैराग तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के विषय में लालदास जी महाराज लिखते हैं घर में खटपट रहे तो यहां खटपट का अर्थ क्या है व्यवहारिक रूप में तो खटपट का अर्थ होता है वाद विवाद झगड़ा मन मेल ना होना तो यहां क्या देवचंद्र जी महाराज के घर में खटपट होता था विवाद होता था झगड़ा करते थे क्या है ये समझने की बात है क्योंकि चौपाई का एक एक शब्द का अर्थ अलग होता है उसका भाव अलग होता है इसलिए यहां कहते हैं घर में खटपट रहे तो देवचंद्र जी महाराज तो किसी से खटपट करते नहीं है वो तो साधना में मस्त रहने वाले भजन कीर्तन में अपना दिनचर्या व्यतीत करने वाले ऐसे देवचंद्र जी महाराज सदृश महापुरुष क्या खटपट करेंगे नहीं किंतु यहाँ क्या है घर में खटपट रहे अब देवचंद्र जी महाराज का नित्य नियम क्या है सुबह से शाम तक बस मंदिर में रहना सेवा करना पूजा पाठ करना ध्यान लगाना प्रदक्षिणा करना आदि और किसी कार्य में उनका मन ही नहीं है उनकी रुचि ही नहीं है और किसी कार्य में और घर का वातावरण भी बड़ा अच्छा है क्योंकि पहले ही प्रसंग हम अने, अनेक बीतकों में श्रवण करते हैं घर में भी श्री कृष्ण का मंदिर था कृष्ण की मूर्ति थी माता पिता बड़े कृष्ण भक्त थे वैष्णव थे और वो घर का माहौल था वो भक्त थे तो माता पिता भी भक्त हैं और देवचंद्र जी महाराज भी साधना में रत रहते हैं तो खटपट क्यों होने लगा भाई घर में खटपट क्यों होता है तो घर में खटपट रहे मतलब क्या है देखो कितना भी कितना भी हम भजन करें भक्ति करें ध्यान करें दान पुण्य करें गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि अपना पुत्र भी भजन भक्ति करें यह सोचते हैं धार्मिक बने या भी सोचते हैं किंतु गृहस्थी लोगों को ये डर भी होता है कि कहीं पुत्र साधु सन्यासी न बने यह भाव होता है देखिए साधु सन्यासी के प्रति हम आस्था भी रखते हैं भाव भी रखते हैं प्रणाम करते हैं साधु सन्यासी को घर में पधरावनी करने के लिए भी हम बड़े उत्सुक होते हैं अच्छी बात है साधु सन्यासी गुरुजनों से स्वयं और परिवार को आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहते हैं आशीर्वाद मांगते भी है और दिलवाते भी है किंतु अधिकांश सुंदर साथ यह तो नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी साधु बने मेरा बेटा भी सन्यासी बने मेरा बेटा भी धर्म का कार्य करे घर बार छोड़ करके ऐसा तो नहीं चाहते है ना? तो कितने भी धर्म की हम बात करें चर्चा करें लेकिन मैं भी मेरे पुत्र को वो धर्म के मार्ग में चलाऊं, मैं भी मेरे पुत्र को या पुत्री को अपने संतान को साधु सन्यासी के मार्ग में भेजूं और धर्म का कार्य करने के लिए प्रेरणा दूं यह कोई नहीं चाहता बहुत ये तो लाखों में एकाद कोई मिले तो मिले बाकी कोई नहीं चाहता इसलिए यह थोड़ा थोड़ी थोड़ा विचित्र है कि हम एक आस्था रखते हैं लेकिन उसके ऊपर हम चल नहीं सकते तो यहां भी क्या समझना चाहिए कि घर का माहौल भी यह भक्तिमय है जी महाराज भी भक्ति करते हैं लेकिन मत मेहता और कुंवर के दिल में क्या है कि इस उम्र में प्रभु के प्रसाद के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ और न जाने इस तरह से सुबह से शाम तक पूरी दिनचर्या भजन भक्ति में मठ मंदिरों में देवचंद्र जी महाराज बिताते हैं इसीलिए माता पिताजी के मन में ये भय है कहीं ये साधु सन्यासी न बन जाए इसीलिए माता पिता के हृदय में यो खटपट होने लगा तो अब देवचंद्र जी महाराज को रोकते हैं वो चाहते हैं कि भजन करें घर में बैठ करके भजन करें पूजन करें प्रदक्षिणा करें और साधना करें किंतु वो थोड़े थोड़े समय बाकी घर का कार्य भी करते रहे गृहस्थ जीवन में रहे यही भाव माता पिता का है इसीलिए अब ये सब चीज़ें देवचंद्र जी महाराज को सुहाती नहीं है उन्हें ये पसंद नहीं है इसलिए ये कहते हैं घर में खटपट रहे अब देवचंद्र जी महाराज खटपट न भी करें तो घर परिवार के लोग करेंगे क्योंकि क्या करने की जरूरत है ये सब ये सब थोड़ा थोड़ा करने से चल ही जाएगा बाकी तो गृहस्थ का कार्यवार करना चाहिए ये सब व्यवहार निभाना चाहिए देखिए यह एक बात समझने जैसी है कि हम कि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है किसी को कुछ तकलीफ मेरी ओर से नहीं हुई है इसीलिए दूसरे भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं देंगे यह समझने का कोई कारण नहीं है हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे फिर भी सामने वाले के प्रति किसी न किसी कारण में द्वेष भावना बनी रहती है वे तो कई लोग हैं वे तो ऐसे मनस्थिति लेकर के चलते हैं ईशा लेकर के चलते हैं तो वैसे लोग किसी न किसी रूप में काम बिगाड़ने के लिए ही तैयार होते हैं इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है मैंने किसी के विषय में बुरा नहीं किया है न बुरी कोई बुरी सोच रखी है इसलिए दूसरे भी मेरे लिए अच्छी ही सोच रखेंगे अच्छाई ही करेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है इसलिए किसी के मन में कलयुग बैठा हुआ होगा तो उसको कुछ किए बगैर भी वो प्रतिशोध लेने के लिए वो काम बिगाड़ने के लिए उसको नीचा दिखाने के लिए वो तैयार ही बैठा होगा बाहर मीठी मीठी बात भी करेगा सामने से मीठी मीठी हाजी हूजी भी करेगा लेकिन पीछे से वो हमेशा से वो घा करने के लिए हमेशा से उसको तकलीफ पहुँचाने के लिए चोट पहुँचाने के लिए उसके नुकसान के लिए तैयार रहने वाले लोग भी इस संसार में होते हैं किसी भी क्षेत्र में हो चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे सन्यासी जीवन में हो इसीलिए देखिए संस्कृत में हम कई बार पुराणों में गीता में सुनते हैं ना अजात शत्रु अजात शत्रु का मतलब क्या है पता है अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं है जिसका कोई शत्रु नहीं है जैसे श्री कृष्ण जी को बोला जाता है वो अजात शत्रु है उनके कोई शत्रु नहीं थे तो क्या हम समझ सकते हैं कि कृष्ण के जितने शत्रु थे किसी के नहीं थे इतने राजा महाराजाओं के साथ में युद्ध करना कई लोगों को हजारों लोगों को उन्होंने मारा है उनसे शत्रुता रखने वाले हजारों ने लाखों के संख्या में थे और उन्हें भगवान के रूप में पूजने वाले की संख्या भी कमी नहीं थी वो लाखों करोड़ों के संख्या में उन्हें अच्छा मानने वाले उनको आदर्श मानने वाले उनको आइडियल मानने वाले भी करणों की संख्या में थी तो उनसे द्वेष रखने वाले की भी कमी नहीं थी फिर भी क्यों कहा कि श्री कृष्ण जी को अजात शत्रु क्यों कहा इसीलिए कहा कि श्री कृष्ण जी के हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं था उनके हृदय में शत्रुता का भाव जन्मा ही नहीं था वो सबको एक समान देखते थे मतलब वो सबके कल्याण चाहते थे सर्वे भवंतु सुखी न सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवेत वो श्री कृष्ण जी की विचारधारा थी सब सुखी रहे सब स्वस्थ रहे सबका कल्याण हो यह श्री कृष्ण जी की भावना थी महापुरुष की ऐसी भावना होती है लेकिन उनके प्रति भी शत्रुता रखने वाले तो लाखों थे फिर भी श्री कृष्ण को कहा अजात शत्रु क्योंकि श्री कृष्ण जी के हृदय में शत्रुता नहीं है सबके प्रति सद्भाव है सबके कल्याण की भावना है तो इसलिए उनको अजात शत्रु कहा तो हम भी अजात शत्रु बन सकते हैं हम भी अपने हृदय को और दूसरे के हृदय में क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ करेंगे वो हमारे बस में नहीं है लेकिन हमारे हृदय में दूसरे के प्रति दुर्भावना न रखना दूसरे के प्रति शत्रुता न रखना ये तो हम कर ही सकते हैं ऐसा भाव हम रख सकते हैं लेकिन दूसरे भी हमारे प्रति ऐसा ही भाव रखे यह संभव नहीं है यह हमारे बस में नहीं है यह हमारे हाथ में नहीं है इसलिए हम अपने हृदय को शुद्ध बनाए सबका अच्छा हो सबका भला हो यह सोचें किसी से शत्रुता न रखें यह हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है हम परमात्मा से यही प्रार्थना करें हे परमात्मा मुझे यही सद्बुद्धि दें कि दूसरे की बुराई देखने की दृष्टि मुझे न दे मुझे तो सबके प्रति भलाई हो सबके कल्याण की कामना की मुझे दृष्टि हो वही भावना की सृष्टि बनाए रखें ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसी हिसाब से जीवन को बना सकते हैं लेकिन दूसरे हमारे प्रति क्या सोचेंगे क्या विचार करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है जो जैसा सोचेंगे उसको फल उसी को मिलने वाला है देर सर सवेर हो सकता है सामने वाले की दुर्भावना और कुदृष्टि के द्वारा हमारे जीवन में कुछ न कुछ मुसीबत भी आन पड़े होता ही है संसार में क्योंकि किसी को ऊपर चढ़ना है संसार में तो किसी के माथे पर सिर रख करके चढ़ते हैं यही संसार का री, रीत है यही संसार का नियम है लेकिन ऐसा जो नहीं करते जैसे बोलते हैं ना मुख में राम राम बगल में छिड़ा ऐसे करने वाले लोग की कमी नहीं है लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करें ऐसा जीवन हमें ना दें हमारे लिए तो ऐसा जीवन दें कि सबका हम अच्छा ही चाहें सबकी भलाई चाहें सबका कल्याण चाहें यह भाव हमें रखना चाहिए तो यह बात हो रही थी क्या कि घर में खटपट रहे तो अजात शत्रु मैंने इसलिए जोड़ा कि श्री कृष्ण जी के हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं थी लेकिन उनके प्रति शत्रुता रखने वाले भी लाखों की संख्या में थे इसी तरह से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में तो कोई खटपट नहीं है कोई दुर्भावना नहीं है किसी के प्रति बुराई नहीं है वो खटपट नहीं करेंगे साधना में अपना समय व्यतीत करेंगे लेकिन उनकी साधना से उनकी दिनचर्या से उनकी भजन भक्ति से उनके द्वारा होने दान पुण्य के कार्य से दूसरे को तकलीफ होती है ये भाव है कि घर में खटपट रहे अब माता पिता के हृदय में खटपट होने लगा कि अरे देवचंद्र जी कहीं साधु सन्यासी न बन जाए हमें वृद्धावस्था में मिला पुत्र कहीं फिर घर से ना निकल जाए साधु सन्यासी होकर के फिर हमें अकेला ना छोड़ दें यह माता पिता के मन में होने लगा लेकिन यह सब देवचंद्र जी महाराज को कुछ सुहाता नहीं है वे तो अपना कार्य करते रहते हैं मन में रहे बैराग अब जिसको संसारी लोगों को जिसके प्रति अनुराग है देवचंद्र जी महाराज को उसके प्रति बैराग है अनुराग मतलब उसके प्रति आकर्षण होना प्रेम होना संसारी लोगों को किसके प्रति प्रेम होता है संसार के प्रति ही प्रेम होता है सांसारिक वस्तु के प्रति प्रेम होता है धन संपत्ति मान सम्मान इत्यादि के प्रति प्रेम होता है लेकिन जो महापुरुष होते हैं दिव्य पुरुष होते हैं उन्हें ये सब में वैराग उत्पन्न होगा वे तो उनका अनुराग किनके प्रति होगा उनके अनुराग तो परमात्मा के प्रति उनके अनुराग तो आत्मा के प्रति उनके अनुराग तो साधना के प्रति ध्यान के प्रति भजन पूजन प्रदक्षिणा के प्रति देवचंद्र जी महाराज का अनुराग है संसार के प्रति वैराग देवचंद्र जी महाराज के मन में है दुनि से वैर रहे तो यहाँ वैर मतलब विरक्त दुनि से मतलब दुनि से, मतलब से मतलब दुनिया से संसार से सांसारिक क्रियाओं से देवचंद्र जी महाराज को विरक्त है वैराग्य है या मतलब दुश्मनी के भाव नहीं है किसी के प्रति वह दुश्मनी रखते नहीं है लेकिन उसमें अनुराग नहीं है वैराग है जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज भी जब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आते थे सत्संग श्रवण करने के लिए घर से यहां पर नौतनपुरी धाम में आते थे तो क्या करते थे कि मार्ग में कोई दोस्त वगैरह कोई सगा संबंधी वगैरह सगे संबंधी वगैरह न मिले और सांसारिक वार्तालाप बातचीत वगैरह न हो इसके लिए उनकी नज़र बचा करके चलते थे जैसे कोई सामने से आ रहा है उन्होंने दूर से देखा कि यह सांसारिक प्रपंच की बात करने वाला आदमी है तो उससे नज़र बचा करके फिर दूसरे रास्ता नाप लेते थे दूसरी ओर से निकल जाते थे इसका मतलब उसके प्रति बैर भावना नहीं है लेकिन ऐसे लोगों के साथ में मिलना जुलना एक किसी भी रूप से फायदाजनक नहीं है इससे हमें भी क्या समझना चाहिए कोई भी किसी के प्रति भी दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति हो उससे हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए उसके प्रति दुर्भावना रखने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके साथ अवश्य में वह दूरी बनानी चाहिए उसके साथ मेल जोल करना बातचीत करना हम भी कई लोगों से मिलते हैं ना तो स्वभाव पता चल जाता है कोई मिलते हैं तो हमेशा सकारात्मक बात करेंगे पॉजिटिव बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और कोई हमेशा दूसरे की निंदा करना दूसरे की चुगली करना दूसरे को नीचा बताना दूसरे की दूसरे को उठा पटक करना यही बात करते हैं तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए हमें ऐसे लोगों के सत्संग में रहना चाहिए संग में साथ में रहना चाहिए कि जो सबके लिए अच्छा सोचें कभी भी किसी की बुराई के प्रति ध्यान न दें हाँ धर्म के प्रति संस्था के प्रति समाज के प्रति सीधा सीधा नुकसान हो रहा है तो हम उसके कल्याण चाहते हैं तो आधिकारिक व्यक्ति जो है जो नुकसान पहुंचा रहा है जिसके द्वारा ऐसा कार्य जाने अनजाने में हो रहा है हम उसको बोल सकते हैं हाँ आपके द्वारा ऐसा हुआ तो इसको इस तरह से करें तो कैसा रहेगा अथवा हम किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड होकर के वो दूसरे को सुनाना अरे जो थोड़ी बात है उसको बढ़ा चढ़ा करके सुनाना दूसरे की बुराई में इतना मस्त रहना उसके नुकसान के भाव से हम अधिकतर संसार के लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं कि निंदा करते हैं चुगली करते हैं किसी की बात सुनाते हैं तो इस तरह से सुनाते हैं कि हम सचमुच उसके हितैषी है लेकिन होते नहीं हैं हम चाहते हैं उसकी बुराई हो उसका नुकसान हो इस तरह से लोग सुनाते हैं इस तरह से लोग बात करते हैं ऐसी आदत नहीं रखनी चाहिए इससे जीवन बर्बाद हो जाता है जो सोचता है उसका भी नुकसान है और जिसके प्रति सोचता है उसका भी नुकसान है इसलिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए इसीलिए इसलिए तो कहते हैं कि दुनि से वीर रहे तो ऐसे लोगों से देवचंद्र जी महाराज बच के रहते हैं क्योंकि उनके प्रति किसी के उनके दिल में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है लेकिन दूसरे तो रखते ही है दूसरे इस तरह का व्यवहार करते हैं इन सबसे देवचंद्र जी महाराज थोड़ा बच के चलते हैं उनके संग में नहीं रहते हैं तो उन्हें देखे लगे आग ऐसे संसारिक सांसारिक दलदल में फंस करके रहे लोगों को देख करके उनके हृदय में पीड़ा होती है देखिए यहाँ ये भाव अलग है शब्द अलग है इसलिए हम सीधा सीधा शब्द का अर्थ करके इसका भाव निकलता नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि उन्हें देखे लगे आग अब सदगुरु महाराज ऐसे पवित्र आत्मा के हृदय में किसी के प्रति आग नहीं होती मतलब यहाँ मतलब आग मतलब ईर्षा द्वेष उनके प्रति खराबी सीधा सीधा बोले तो इसका भाव ये होगा कि वो तो आग में जल रहा है ईर्षा की आग में जल रहा है क्रोध के आग में जल रहा है उसको देख करके उसके हृदय में आग जल जाती है यह हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं लेकिन लालदास जी महाराज ने यह शब्द प्रयोग किया उन्हें देखे लगे आ तो इसमें यह भाव समझना चाहिए कि देवचंद्र जी महाराज के हृदय में कोई खटपट नहीं है खटपट दूसरे करते हैं और उनके मन में तो संसार के प्रति वैराग है आ दुनिया से वे अनुराग नहीं रखते वैराग है वितराग है देखिए वैराग का मतलब दुश्मनी है ही नहीं बस अपने काम में मस्त रहें और दुनिया अपने आप उनसे दूर हो जाएंगे दुनिया के प्रति कोई आकर्षण नहीं है दुनिया के प्रति अनुराग नहीं है न का सांसारिक कार्य के प्रति न सांसारिक लोगों के प्रति यह सांसारिक लोग कहने का मतलब क्या है जिसका जीवन मात्र खाना पीना मौज मस्ती बस उतने भर भी सीमित है सुबह से शाम तक खाने पीने की बात हो और सांसारिक मौज मस्ती की ही बात हो इससे ऊपर की कोई चर्चा नहीं कोई बात नहीं कोई साधना नहीं कोई भजन नहीं कोई सेवा नहीं परमात्मा का ध्यान नहीं परमार्थ का चिंतन नहीं ऐसे लोग सब संसारिक लोग हैं और संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी घर गृहस्थ में रहते हुए भी सबका कल्याण चाहने वाले सबकी भलाई चाहने वाले भजन कीर्तन ध्यान में मग्न रहने वाले दान पुण्य करने वाले परमात्मा का भजन करने वाले परमात्मा के ध्यान में मग्न रहने वाले ये घर गृहस्थी लोग भी सांसारिक नहीं है वे भी संसार में रहते हुए भी असंसारी है संसार से अलग है जैसे कहा जल में नाहिए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन्ना तो वाणी में कहा जल में नाहिए कोरे रहिए जैसे कमल जल कमलवत कमल जल में रहता है उसकी जड़े हैं कीचड़ में वो स्पर्शित होते हैं लेकिन कमल के ऊपर न कीचड़ रहता है न जल टिकता है तो उसी तरह से सांसारिक संसार में रह करके भी ऐसा जीवन बना सकते हैं संसार में तो रहना ही है लेकिन यहाँ रहते हुए भी उसी तरह से कीचड़ को कमल में जैसे कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं कर सकता वैसे शुद्ध हृदय के लोग हैं, सद्भाव रखने वाले लोग हैं, सद्गुणी लोग हैं, सत्चरित्र के लोग हैं ऐसे लोगों के ऊपर संसार का रंग चढ़ता नहीं है चाहे वो साधु सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ जीवन में रहता हो उसके हृदय में संसारिक ये सब कामनाएं वासनाएं सांसारिक लोभ लालच उनको कुछ आकर्षण नहीं कर सकता और यदि कहीं भी रहें हम साधु सन्यासी के वेश में रहें या गृहस्थ के देश में रहें कहीं भी रहें यदि हमारे मन में लोभ हो लालच हो ईर्षा हो द्वेष हो अभिमान हो एक दूसरे को गिराने की भावना हो तकलीफ देने की भावना हो खुद मात्र मैं प्रगति करूं, दूसरे कोई प्रगति ना करें मैं सुखी हूं दूसरे कोई सुखी ना हो इस तरह का भाव यदि रखता है तो वो चाहे साधु सन्यासी हो चाहे गृहस्थ जीवन में रहने वाले सुंदर साक्षी हो सभी ही संसारिक लोग माने जाते हैं इसीलिए यहाँ ऐसे संसार के दल दल में रचे पचे लोगों को ऐसे कीचड़ में फंसे हुए लोगों को देख करके उनके प्रति दया का भाव जाग जाता है देवचंद्र जी महाराज के हृदय में आग जल जाती है मतलब अरे इनका भी कल्याण कैसे हो यह ज्यादातर वो ही चाहते हैं यह भी साधना करें यह भी भजन करें ये भी कल्याणगामी बने ऐसा चाहते हैं तो आगे कहते हैं दई अपन बहुत कर कर थके सब कोई, ए फिराए जीव फिरे कहे समझावे सो अब यहां कहते हैं दई अपन बहुत देवचंद्र जी महाराज की जीवनी को देख करके उनकी उनकी दिनचर्या को देख करके उनके कार्य को देख करके लोग अपने अपने हिसाब से जी महाराज को सिखापन देते हैं मतलब सिखापन का अर्थ है उपदेश देवचंद्र जी महाराज को समझाते हैं उपदेश देते हैं दई सिखापन बहुत क, बहुत ने यह किया बहुत ने प्रयत्न किया बहुत लोगों ने बहुत तक मतलब बहुत लोगों ने प्रयत्न किया क्या करना क्या करने के लिए शिक्षापन देने के लिए उपदेश देने के लिए क्योंकि अपने अपने ढंग से उपदेश देते उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन सही में मार्गदर्शन करने वाले बहुत कम मिलते हैं किसी के जीवन में भी कुछ भी घटना घटे तो उपदेश देने वाले की संख्या लाखों हो जाती है हजारों हो जाती है लेकिन वो तत्वतः वास्तविक सच्चा मार्गदर्शक बहुत कम होता है हृदय से किसी की भलाई चाहना हृदय से हाँ इसको ये करें तो यह आदमी सुखी हो सकता है उसके सुख के लिए उसके कल्याण के लिए उसकी भलाई के लिए उसकी प्रगति के लिए सोचने वाले तो बहुत कम होते हैं तो यहाँ भी दई सिखापन बहुत तक, बहुत लोगों ने सिखापन दिया उपदेश दिया किंतु कर कर थके सब कोई सब कोई उपदेश दे दे करके थक गए महाराज को बोलते हैं अरे ये भजन करने की जरूरत नहीं है ये पूजन करने की जरूरत नहीं है मंदिर जाने की जरूरत नहीं है प्रदक्षिणा करने की जरूरत नहीं है दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है अपने अपने हिसाब से और करना भी है तो घर में बैठ करके करो ये सब करने की क्या आवश्यकता है ये सब बोल बोल करके समझाते हैं लेकिन देवचंद्र जी महाराज हैं मानते नहीं हैं जो हृदय का भाव है उसी हिसाब से देवचंद्र जी महाराज कार्य करते हैं लोग उनको समझा समझा करके थक गए तो ये फिराए जी फिरे ये मतलब देवचंद्र जी महाराज फिराए तो जिस तरह से लौटे किससे ये तो घर परिवार संसार से वैराग्य ले रहे हैं उनका भाव यह वैराग्य भाव हो गया है उनको कोई आकर्षण नहीं है कोई भी संसार में रुचि नहीं है तो फिर पुनः लौटे उसमें रुचि रखने लगे संसार में अनुराग रखने लगे अनुरक्ति हो संसार में उनका मन रत हो जाए रंजन हो जाए इस प्रकार से वे सभी चाहते हैं देवचंद्र जी महाराज को फिराने के लिए लौटाने के लिए भजन भक्ति से दूर कराने के लिए कहे समझावे सोए उसी प्रकार से समझाते हैं जिस प्रकार से वे यह साधना छोड़ दे और संसारिक क्रिया करें उस हिसाब से लोग समझाते हैं अब आगे लालदास जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से चली रहा था तीसरी श्री देव चंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश जाए के खोज करूं कोई मोए दे उपदेश तो पहले ही पिताजी के साथ में जब से विदेश जा के आए मतलब कच्छ देश जा के लौटे उसी समय से मन में यह भाव जगा था कि मैं उसी स्थान में जाऊं वहां जाकर के साधना करूं भजन भक्ति करूं साधु संत को रिजाऊं उनको उनका उनका साथ संगत सत्संग प्राप्त करूं यह मन में भाव था ही अब अधिक उसमें तीव्रता आने लग गया इस भाव में तीव्रता आ गई और अधिक उनको यह हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊं कहूं विदेश कहीं विदेश चला जाऊं, कहीं दूर घर छोड़ कर के ये छोड़ कर के दूर जाऊं, तो कोई पहचानेंगे नहीं तो ये खटपटी नहीं होगा ये घर में रहूंगा, तो माता पिता को चिंता दूसरे भी आकर के समझाते हैं अपने अपने हिसाब से कहीं अपरिचित स्थान में जाऊं और अपना कार्य करूं, मस्ती से भजन पूजन साधना में अपना दिन बिताऊं यह मन में उनको आ रहा है कहाँ जाए के खोज करूं कोई मोहे दे उपदेश लेकिन मैं कहाँ जाऊं कैसे जाऊं वहां जाकर के मैं खोज तो करूं लेकिन मुझे कैसे जाना है कहाँ पर जाना है ये कोई मार्गदर्शन तो करे यहाँ है उपदेश का मतलब मार्गदर्शन और कहें कोई मोहे दे उपदेश मैं कहाँ जाऊं किस प्रकार से जाऊं किसके साथ में जाऊं तो किस प्रकार साधना करूं? ये मुझे कोई कोई मुझे मार्गदर्शन करे कोई मुझे बता दें ऐसा वे मन में भाव रख रहे हैं ये लालदास जी महाराज सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की भावना को समझ करके यहाँ शब्द दे रहे हैं व्याख्या कर रहे हैं तो पूछत फिरे सब ठौरो कोई मुझे बतावे रा, या समय राजा उमर कोट का ताको बजीर जाए ता तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साच जी यह मीठी कथा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की कथा चल रही है उनका प्रसंग चल रहा है जो हृदय को पवित्र करने वाली कथा है हृदय को पावन करने वाली कथा है कल्याण करने वाली कथा है तो हम ध्यान से श्रवण करें पूछत फिरे सब ठोरो देवचंद्र जी महाराज सभी स्थान में पूछते हुए चल रहे हैं सभी ठौरों मतलब सभी स्थान में कोई मुझे बतावे राह कोई मुझे मार्ग बतावे कोई मुझे मार्गदर्शन करें या तब यह उनके मन में चल रहा था सभी को पूछते हुए चल रहे थे मुझे क्या करना चाहिए कहाँ जाना चाहिए सभी को पूछने का मतलब कोई भी मिले उनसे पूछना नहीं है उनको लगे कि हाँ इनसे मेरी बात मुझे बात करनी चाहिए ये मुझे कुछ ना कुछ उपदेश कर सकते हैं साथ सहयोग दे सकते हैं मेरी भावना को समझ सकते हैं ऐसा जब जिसके प्रति सदगुरु श्री देवश जी महाराज को लगता था उनको जाकर के पूछते थे यहाँ सबको पूछ करके चलना मतलब चलने का अर्थ ये नहीं कि मार्ग में कोई भी मिले तो उनको अपनी कथा व्यथा सुनाते हुए चले ऐसा नहीं है तो हमें भी यह देखिए एक एक पद में एक एक चौपाई में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए तो हमारी समझ कैसी होनी चाहिए व्यवहार कैसा होना चाहिए इस विषय में उपदेश है तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी मुसीबत की घड़ी भी आ सकती है खुशी की घड़ी भी आ सकती है खुशी की घड़ी में भी किसके प्रति किसके सामने खुशी प्रकट करें यह भी हमें याद होना चाहिए और दुखी हो हमारे सामने कष्ट की घड़ी हो उस समय भी हमारा कष्ट किसके सामने व्यक्त करें अपना दिल का भाव किसके प्रति व्यक्त करें यह भी समझ आनी चाहिए तभी लोग सुखी होंगे तभी व्यवहारिक होंगे हम अपना कष्ट सबको बोलते हुए चलें कोई अर्थ नहीं है उससे कोई मार्ग निकलने वाला नहीं है और अपनी खुशी भी सबके सामने व्यक्त करते हुए चलें उस भी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हमारे खुशी से खुश होने वाले बहुत कम लोग होते हैं हमारे खुशी से दुखी होने वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं संसार में इसलिए हमारी खुशी में हमारी प्रगति में हमारी उन्नति में हकीकत में कौन खुश होता है वास्तव में कौन खुश होता है यह हमें समझना चाहिए और उनके साथ में खुशी व्यक्त करनी चाहिए बाक़ी तो हमारे खुशी में बाहर से हाँ हाँ अच्छा अच्छा बोल देने वाले बहुत होंगे अंदर से इसका तो बुरा होना चाहिए था लेकिन इस इसका अच्छा कैसे हुआ हम इसको बुरा करने के लिए कुछ भी करेंगे अंदर अंदर ये सोचने वाले की संख्या ज़्यादा होती है इसीलिए यह देवचंद्र जी महाराज सबको बोलते हुए नहीं चलते उनको हृदय में लगे कि हाँ यह व्यक्ति मुझे मार्गदर्शन कर सकता है ये मुझे साथ दे सकता है वो परखते हैं वो समझते हैं तब जाकर के वे कहते हैं तो कहते हैं पूछ तो सब ठौरों कोई मुझे बतावे राह या समय राजा उमरकोट का ताको बजीर जाए ता तब उनको पता चला कि अरे मैं देश प्रदेश जाना चाह रहा हूं अकेला कैसे जाऊं ये सब विचार कर रहे थे तब उनको पता चला क्या या समय राजा उमरकोट का उस समय उनको पता चला उमरकोट का जो राजा है ताको बजीर जाए ता तो राजा के बेटे की शादी उमरकोट के राजा की बेटे की शादी है वो कच्छ में होने जा रही है इसीलिए पहले के समय में क्या था कि राजा या राजकुमार जाया नहीं करते थे किसी सुरक्षा शुरक, के कारण से हो सकता है किसी भी रीत रिवाज हो वो राजा या राजकुमार शादी में जाता नहीं था और उसके प्रतीक के स्वरूप में एक खांडा मतलब एक तलवार को ले जा जाते थे और उसके साथ में विधि करके वहाँ से राजकुमारी अथवा विवाह करके ले आते थे और इधर ही ला करके पूरी विधि पूर्वक विधान पूर्वक सब शादी करते थे विवाह करते थे तो यह रीति रिवाज थी यह चलन था इसलिए देवचंद्र जी महाराज को पता चला कि अरे उमरकोट का जो राजा है उसके राजकुमार की शादी कच्छ में होने जा रही है वहाँ पर खाड़ा विवाह के कारण खाड़ा विवाह करने के लिए वे जा रहे हैं कच्छ ता को बजीर जाए ता अब उसको वो खाड़ा को लेकर के कौन जाता था कि बजीर बजीर मतलब मंत्री उसको बोलते हैं संस्कृत में अमात्य उसको संस्कृत में अमात्य बोलते हैं अभी की भाषा में मंत्री बोलते हैं तो प्रमुख सलाहकार होता है राजा का वही वह बजीर है जिसको दीवान भी बोलते हैं तो वो वो खाड़ा लेकर के राजकुमार के प्रतीक के रूप में वो बजीर जाता था ताको बजीर जाए ता वहाँ पर कहाँ पर कच्छ कच्छ वो बजीर खड़ा को लेकर के मतलब राजकुमार की शादी में वो खड़ा को लेकर के वो कौन वजीर जाने वाला है ऐसा समाचार श्री देवचंद्र जी महाराज को मिला बोलो कृष्ण का नहीं की तो आज यहीं रखते हैं तो कल फिर आगे बढ़ते हैं बोलो कृष्ण का नहीं की को वजीर जायता पूछत फिरे सब ठौरो कोई मुझे बतावेरा या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए ता ताको वजीर जाए जय जय प्यारे की जय प्रणाम